अजमेर ब्लैकमेल रेप कांड में कोर्ट का फैसला, सभी 6 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। बड़ी खबर यह है कि सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। ये उन्हीं 18 लोगों में शामिल दोषी हैं जिन्होंने 100 से ज्यादा कॉलेज की लड़कियों से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। लड़कियों की अश्लील तस्वीरें भी फैलाई थी। दरअसल अजमेर के चर्चित ब्लैकमेल कांड में आज फैसला आ गया। अदालत ने सभी 6 आरोपियों को दोषी माना है। अजमेर के पॉक्सो कोर्ट 2 में आज ये फैसला आया। सभी आरोपियों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। कोर्ट के फैसले के बाद सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। सभी 6 अभियुक्तों को, जिसमें नफीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, सोहेल गनी और नसीम उर्फ तारजन और इकबाल भाटी जो थे, उन सभी को दोषी माना गया है और प्रत्येक पर 5-5 लाख रुपए और दंड भी दंडित किया गया है। जो टोटल 30 लाख रुपए जो जुर्माना इनसे वसूल किया जाएगा, वो प्रत्येक पीड़ितों में बराबर बांटने का भी माननीय न्यायालय ने आदेश सुनाया है। मामला साल 1992 का है। अजमेर के रेप और ब्लैकमेल कांड से पूरा देश सन्न रह गया था। इस मामले में कुल 18 आरोपी थे। 9 को पहले ही सजा मिल चुकी है, 6 को आज सजा मिली। एक आरोपी अभी भी फरार है, वहीं एक आरोपी खुदकुशी कर चुका है, जबकि एक अन्य आरोपी दूसरे मामले में जेल में बंद है। एक स्थानीय समाचार पत्र के जरिए स्कैंडल का खुलासा हुआ था।